आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ में एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस का एक वायर है, उसको अगर हम एन टाइम्स स्ट्रेच कर दें, एन टाइम्स स्ट्रेच कर दें, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसको हम आर वन मान लें और ये इसको आर मान लें। यानी पहले स्ट्रेच करने से पहले रेजिस्टेंस आर था और स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस आर वन हो गया है। देखिए अब समझिए इस बात को, क्वेश्चन को। किसी भी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो क्योंकि वायर तो वही है, वायर में कोई चेंज नहीं है, हमने इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो इसका मास चेंज नहीं होगा, मास नो चेंज। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मास पहले का मास और बाद का मास, आप इसको m और m1 कह सकते हैं, स्ट्रेच करने के पहले का मास और स्ट्रेच करने के बाद का मास। मास क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। यहां पर वॉल्यूम v1 हो गया और डेंसिटी देखिए सेम रहे क्योंकि मटेरियल वही है, वायर वही है, वायर में कोई चेंज है नहीं, तो मटेरियल हमारा वही रहेगा, तो डेंसिटी हमारी सेम रहेगी। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने इसको स्ट्रेच कर दिया है, तो लंबाई घट बढ़ जाएगी, यहां से ही कैंसिल कर दिया। इस तरह के सब सवालों में यही करना है आपको। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए वन, एल वन अपॉन एल। ये इक्वेशन हर क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां एल वन, पहले लेंथ एल थी और अब उसको एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, यानी एन टाइम्स उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? एन। यानी ये वैल्यू पूरी किसके बराबर हो रही है? एन के। हमें निकालना क्या है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए मान लें कि पुराना रेजिस्टेंस हमारे पास, फार्मूला देखिए लगाएंगे रो वाला, रेजिस्टिविटी है ना, इसको रेजिस्टिविटी कह दें, और ये यहाँ रो दोनों में आप इसको सेम न करिए, डेंसिटी कह दीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो रो यहाँ पर क्या है, तो आर इज इक्वल रो ए अपॉन एल होता है, ठीक है, फार्मूला होता है रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। तो आर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। ये स्ट्रेच करने के पहले रेजिस्टेंस और स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा? आर वन, रो वही रहेगा, एल वन और ए वन। ये इक्वेशन वन होगा, ये इक्वेशन टू। इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करते तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? आर वन अपॉन आर इज इक्वल टू, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एल वन अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए वन। इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो यही आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर एल वन अपॉन एल की वैल्यू क्या है बच्चों? एम। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? एम इसकी जगह पर, और a अपॉन ए वन भी n के बराबर है, तो इसकी जगह भी n लिख सकते हैं। तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? n स्क्वायर इनटू r। यानी नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का, जो पहले रेजिस्टेंस था उसका n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लिहाजा आंसर n स्क्वायर r होगा। तो नीट 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है, नीट 2017 में आया था, और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है एकेडमिक में भी, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों इसको हमसे पूछ लेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।